अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मार्सिल। दोस्तों, वीवो S1 मेरे पास आ चुका है। आज करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स के क्या कंटेंट मिलते हैं। और फर्स्ट लुक आपको मेरे चैनल पर मिल चुकी है, वीडियो पर भी लाइक मिल जाए और साथ ही शेयर मिल जाए तो तब भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। ज़्यादा बोर नहीं करता आपको, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी व्यूअर, वीवो S1 का बॉक्स हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है। वीवो ने थोड़ा सा बॉक्स को चेंज किया है, अपने S सीरीज को मेंशन किया है ऊपर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को भी मेंशन किया गया है। 6GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट है, वीवो की ब्रांडिंग है। बाकी आपको बैक साइड पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मिल जाती हैं। AI ट्रिपल कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मेंशन। मॉडल नंबर लिखा गया है, जो चाइनीज़ वेरिएंट होता है उसका, चाइनीज वर्जन का जो मॉडल नंबर होता है वो लिखा गया है। स्काईलाइन ब्लू कलर है मेरे पास। PTA की वारंटी सील को अप्लाई किया गया है, बाकी एज सच हमें कोई शेप नहीं मिल रही सामने वाली साइड पर। और ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, रैपर को कटआउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर वीवो S1 में बॉक्स के साथ बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ बॉक्स को खोलने के बाद हमें S सीरीज़ वाला ही इन्वेलप मिलता है। ब्रांडिंग काफ़ी खूबसूरत सी की गई है बॉक्स के ऊपर। और यहाँ इन्वेलप में हमें मिल जाता है मैनुअल गाइड, क्विक गाइड स्टार्ट, और साथ ही एक सिलिकॉन कवर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है बिकॉज जब कोई नया फ़ोन आता है फ़ौरन ही यहाँ कोई प्रोटेक्शन के लिए आपको कवर नहीं मिलता। बाकी इस एनवेलप में आपको कोई सच कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती। फिर हम निकाल लेते हैं फ़ोन को बाहर। फ्रॉस्टेड पेपर में लगाया गया है, गूगल असिस्टेंस वाली की को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जो वी की है आप उसको गूगल असिस्टेंस पर भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को मेंशन किया गया है और यहाँ कुछ आइकन्स को मेंशन किया गया, अब ये नहीं पता क्यों किया गया। तो यहाँ फ्रॉस्टेड पेपर से वीवो S1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा वीवो S1। यहाँ दोस्तों इसकी फर्स्ट लुक आपको इंडिया और पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे चैनल पर मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमें मिल जाता है IME स्टिकर और फिर मिलता है हमें इस तरह का एक गत्ता टाइप एक कवर। और यहाँ इसके इम्प्लीमेंट किया गया है सिम इजेक्टर टूल को। उसके बाद मिल जाता है इस तरह की केबल, ये है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग वाली माइक्रो USB की केबल। फिर मिलती है हमें हैंड फ्री और इन एयर वाली हैंड फ्री है, और बाद में बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और यहाँ मिल जाती है हमें पावर ब्रिक चार्जर, एडाप्टर चार्जर मिलता है। 5W 2A पे काम करता है, 9W 2A पे करता है। 18W का आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इस फ़ोन में मिल जाती है। बाकी बॉक्स में कोई कॉन्टेंट नहीं है, हम बॉक्स को करते हैं साइड पर, सामने ले आते हैं फ़ोन को। अब इस फ़ोन को करते हैं हम एक्टिवेट और फिर बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की। ओके जी, वीवो S1 एक्टिव हो चुका है, हम इसको एक्टिवेट कर चुके हैं। यहाँ बात कर ले अगर स्पेसिफिकेशन की, 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1080p का रेजोल्यूशन। और यहाँ मिल जाती है ड्यू ड्रॉप नॉच, थोड़ा सा बेजल्स को प्रोमिनेंट किया गया है, चिन थोड़ी सी आपको बड़ी मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए कलर्स की तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आते हैं। यहाँ ओवरव्यू की बात कर ले तो यहाँ नॉच के साथ ही ऊपर हमें एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, ऑन ऑफ की मिल जाती है एक साइड पर, और यहाँ मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर की। ऊपर की साइड पर कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक को नहीं रखा गया। यहाँ बात कर लें तो सिम ट्रे की, और सिम ट्रे की अगर बात कर लें हम यहाँ पर, तो इस फ़ोन में मिल जाती है आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट की सपोर्ट। और यहाँ दो सिम्स के साथ आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। साथ ही आपको देखने को मिलती है जोवी इंटीग्रेशन की, और यहाँ जोवी की जगह आप गूगल असिस्टेंट की भी कह सकते हैं। और रियर साइड पर ग्लॉसी लुक देखने को मिलती है, फ्रेम अलग से रखा गया है। रियर साइड पर आपको यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। कैमरा बम्स को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, लेकिन अगर आप सिलिकॉन लगाते हैं तो ये कवर आउट हो जाता है। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एक लाइट मिलती है, AI की ब्रांडिंग है, वीवो की ब्रांडिंग है। और अगर बॉटम साइड की बात कर ली जाए इस फ़ोन की, आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, एक माइक मिलता है, आपको 3.5mm का जैक और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ अगर इंटरनल्स की बात कर ली जाए इस फ़ोन के, तो हम यहाँ देख लेते हैं हमें अनबॉक्स करते ही इंटरनल्स क्या मिलते हैं। यहाँ हमें मिल जाता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9 का, एंड्रॉयड 5 मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। साथ ही हमें 6GB की रैम मिलती है, 128GB का रोम मिलता है।
अगर इस प्रोसेसर की बात कर ली जाए, हीलियो P65 ये पहली ऐसी डिवाइस है जो हीलियो P65 के साथ आई है। 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 कोर्स कोर्टेक्स A75 पर काम करती हैं जो कि एफिशिएंट कोर्स होती हैं। माली G52 का आपको इसमें GPU मिल रहा है, 1080p का रेजोल्यूशन है, और अगर यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर ली जाए तो 147,304 का स्कोर करता है, क्योंकि इस रेंज का ये काफ़ी अच्छा एक बेंचमार्क स्कोर है। बाकी डे टू डे यूजेज के बाद देखेंगे कि यहाँ हमें वीवो S1 में कैसी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, कैसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। और अगर इस फ़ोन के कैमरास की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर 2.0 रखा गया है। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मेन मिलता है आपको, 16 मेगापिक्सल का सेंसर अल्ट्रा वाइड मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। LED लाइट रियर की साइड पर मिलती है, फ्रंट साइड पर कोई भी LED लाइट नहीं रखी गई। मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया है, ये मैंने मोनोक्रोप एक ऑप्शन है यहाँ आपको रियर साइड पर मिल जाता है कुछ मोनोक्रोप का ऑप्शन, जब आप पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ कुछ पिक्चर्स को मैंने लिया है, पिक्चर्स काफ़ी ज़बरदस्त आई, इंडोर लाइट है। ओवरऑल इसका एक कैमरा रिव्यू करके देखेंगे कि यहाँ हमें कैसी पिक्चर्स मिलती हैं। और अगर सेल्फी की बात कर ली जाए तो यहाँ सेल्फी हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिल रही है, और फन वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, मोनोक्रोम का ऑप्शन आपको यहाँ पर सेल्फी वाले ऑप्शन में भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। AI बेस्ड कैमरा है और यहाँ फुली लोडेड आपको AI एप्लीकेशंस मिलती हैं, वीडियो भी आपको मिल जाता है यहाँ, फन वीडियोस भी मिल जाता है, AR स्टिकर मिलता है, प्रो मोड मिलता है, पैनोरामा मोड मिल जाता है, और वीडियो में आपको यहाँ पर स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। और कैमरा रिव्यू में बात करेंगे कि कितने फ्रेम पर सेकेंड पर स्लो मोशन को रिकॉर्ड करता है, टाइम लैप मिल जाता है। और यहाँ मुझसे पूछा गया था जो फर्स्ट लुक की वीडियो थी कि ये फ़ोन 4K को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, या 60 FPS को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, तो यहाँ पर आपको जस्ट 1080p 30 FPS की ऑप्शन मिलती है, कोई भी 60 FPS की ऑप्शन इस फ़ोन में रियर साइड पर नहीं मिलती, और फ्रंट वाली साइड पर भी आपको 1080p 30 FPS मिलता है, कोई आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता। और यहाँ अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए, फेस अनलॉक इस फ़ोन का काफ़ी फास्ट नज़र आया। और इस फ़ोन का एक और हाईलाइटिंग फीचर है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, 6th generation आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट नज़र आया वीवो V15 Pro से भी, और इवन गैलेक्सी A70 या A50 से ये काफ़ी फास्ट नज़र आया। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा आपको इस फ़ोन में जायरो की सपोर्ट मिल जाती है, और वीवो S1 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। यहाँ एक ऑप्शन है जो कि आपको मिलती है अल्ट्रा गेम मोड के नाम पर, यहाँ साउंड लोकलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, आप नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं वाईफाई कनेक्शन को ऑटोमेटिकली, और यहाँ ये भी ऑप्शन रखी गई है अगर कोई मैच आप खेल रहे हैं PUBG के हिसाब से और आपको जाना है किसी और काम में, और आप ये कहते हैं कि जब मैच स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो यहाँ ये कहता है वीवो के हमने जो ये नई ऑप्शन इंक्लूड की है, अल्ट्रा गेम मोड इंक्लूड किया है, इसके अंदर हमें ये ऑप्शन सारी ही मिल जाती हैं। बहरहाल इस चीज़ को भी हम मॉनिटर करेंगे, सिर्फ PUBG नहीं बाकी गेम्स को भी खेल के कि कितना अच्छा परफॉर्मर है ये फ़ोन। और अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ हमें 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल रही है, हमें यहाँ पर फास्ट चार्जिंग, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग, 18 W की चार्जिंग मिलती है। चार्जिंग टेस्ट भी इसका करेंगे कि कितनी देर में चार्ज होता है, अगर आपको आइडिया दे दूँ तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट ये फ़ोन जो है चार्जिंग लेता है, लेकिन वीवो ये क्लेम करता है कि 90 से 95 मिनट में ये फ़ोन जो है अपने ओरिजिनल चार्जर से चार्ज हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं वीवो S1 की बैटरी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ़ोन हैंडफील वाइज काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आया, मुझे काफ़ी प्रीमियम नज़र आया, लेकिन इस प्रोसेसर को लेके हम सब वरीड हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वरीड हैं कि यार ये परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा होगा। तो यहाँ भाई कुछ रेंज है 48 से 50 हज़ार, सुपर एमोलेड, 6th generation इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अब प्रोसेसर को थोड़ा सा अंडरक्लॉक GPU को भी किया गया, डे टू डे यूजेज में ही बता पाऊंगा कि वीवो S1 वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अब फिलहाल तक अगर देखा जाए तो ओवरव्यू के हिसाब से अच्छा लगा डिवाइस, डिस्प्ले के हिसाब से अच्छा लगा, इवन कैमरा क्वालिटी के हिसाब से भी हमें अच्छा लगा। बाकी बात करते हैं किसी और रिव्यू में, आज की वीडियो में इतना ही है, चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी वीवो S1 की अनबॉक्सिंग।
कैमरा मैं इसलिए ज़्यादा बाहर का इंक्लूड नहीं कर सका क्योंकि आज वेदर ठीक नहीं था और बाहर कुछ स्टॉर्म चल रहा था और बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से कुछ पिक्चर्स मुझे शॉप पर लेनी पड़ी। और इंडोर लाइट में भी इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी बेहतर नज़र आया मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर फोन जो कि इस रेंज में आते हैं। बाकी ओवरऑल कैमरा रिव्यू के बाद ही बताऊँगा वीवो S1 कैसा काम करता है। बहरहाल यहाँ पर फुली AI बेस्ड कैमरा है, 6th जनरेशन का हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा नॉच और बेजल्स को मैं कहूँगा अगर और कम हो सकते हैं तो ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती थी। अब प्रोसेसर को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे थे कि हीलियो P65 कैसा काम करता है। वीवो ने काफ़ी काम किया है, गेम क्यूब को अपग्रेड किया है यहाँ पर, जो पहले गेम क्यूब मिलता था अभी हमें नई ऑप्शन देखने को मिल रही है, उसको भी चेकआउट करेंगे। और बैटरी 4500 mAh एक बड़ी बैटरी है, डिस्काउंट भी आपको मार्केट में मिलता है, 50,000 इसकी इनवॉइस रेट रखी गई है। अब आफ्टर डिस्काउंट कितना मिलता है ये आपके और एक शॉपकीपर के रिलेशन पे डिपेंड करता है। बहरहाल अपनी अगर प्राइस को देखूं, इस प्राइस के अंदर देखूं तो गैलेक्सी A50 आता है। प्रोसेसर वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज गैलेक्सी A50 ऑन पेपर तो बेहतर है, लेकिन कंपेयर करेंगे गैलेक्सी A50 कितना बेहतर काम करता है हमें वीवो S1 से। और इसी रेंज के अंदर वीवो का पहले V15 अवेलेबल है, वहाँ IPS डिस्प्ले है, यहाँ AMOLED डिस्प्ले है, बस वहाँ पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है और यहाँ आपको नॉच में सेल्फी कैमरा मिलता है। और अगर इसे ऊपर चलते हैं तो हमें वीवो V15 Pro भी मिलता है, स्टिल रूल कर रहा है उसी रेंज के अंदर। तो वीवो नई चीज़ों को लेके आ रहा है, नए अच्छी डिवाइसेस को लेके आ रहा है। अब ये प्राइस रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थी, मींस कि इस रेंज के अंदर हमें कुछ ज़्यादा डिवाइसेस नहीं मिलती थी ओप्पो की तरफ से, जो कि एक बड़ा कंपटीटर है वीवो का। F11 मिलता है, 6GB 128GB का वेरियंट, IPS डिस्प्ले है, वहाँ आपको मिल जाती है वोक चार्जिंग, यहाँ मिलती है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन AMOLED डिस्प्ले को और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए, व्यूइंग एंगल की बात की जाए, तो मैं सच में कहूँगा वीवो S1 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीवो S1? क्या लगी आपको स्पेसिफिकेशन इसकी इंप्रेसिव, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए रिव्यू, नई अनबॉक्सिंग या किसी और नए कंपैरिजन के साथ अगली वीडियो में। तब तक दें मुझे इजाज़त, मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।